अलैकुम, आई होप यू आर फाइन। लास्ट प्रीवियस टॉपिक्स हमारे थे प्रेजेंट डेफिनेट में, ग्रामर के हवाले से मैंने स्टार्ट किया था टेंसेस, और इसमें मैंने जो है प्रीवियस टॉपिक्स पढ़ाए थे प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये हम लोग फिनिश कर चुके हैं। अभी तक जिन जिन स्टूडेंट्स ने वो टॉपिक नहीं देखे हैं तो वो चेकआउट कर सकते हैं, उसमें मैंने प्रैक्टिस सेंटेंस भी दिए हैं और काफ़ी डिटेल जो है वो समझाया है। तो आज हम पढ़ेंगे पास इंडेफिनेट टेंस। पास इंडेफिनेट टेंस के हवाले से हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। पास इंडेफिनेट के हवाले से हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। पास इंडेफिनेट टेंस में पास का मतलब होता है कि माजी में जो काम आप कर चुके हैं, माजी में जो आपने काम किया है उसके हवाले से, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है, अच्छा पहले हम इसकी उर्दू में पहचान पढ़ लेते हैं। इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, इसकी आइडेंटिफिकेशन उर्दू में है अलिफ, छोटी है और बड़ी है वगैरह, ये जो है आता है उर्दू में। उर्दू में आखिर में जो जुमला खत्म होता है, जैसे इसने चाय पी, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, मैंने खत लिखा, यह आ गया अलिफ, यह आ गया छोटी है, ठीक है। उसने सेब खाए, ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसकी उर्दू में पहचान है छोटी है, अलिफ और बड़ी है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर सो इजी, कुछ भी मुश्किल नहीं है। पास इंडेफिनेट का स्ट्रक्चर हमारे पास जो है उसमें आता है सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट सेकंड फॉर्म इसमें यूज होती है, ठीक है। अब हम इसको नेगेटिव में बनाएंगे तो नेगेटिव में क्या यूज होगा, सब्जेक्ट जब भी सेकंड फॉर्म आएगी तो हम डिड नॉट यूज करेंगे, डिड नॉट, सेकंड फॉर्म को चेंज कर देंगे हम फर्स्ट फॉर्म में और हमारे पास आ गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसका मैं इंटरोगेटिव बनाऊंगी। इंटरोगेटिव बनाते हुए मेरे पास जो डेट है, डिड नॉट मैंने यूज करा, डेट वो मैं पहले ही दूंगी, डेट प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। पास इंडेफिनेट टेंस में हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, कुछ भी यूज नहीं होता, सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, फिर हमारे पास नेगेटिव बनाते हुए हमारे पास सब्जेक्ट डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट, फिर हमारे पास इंटरोगेटिव बनाते हुए डिड सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब हम इसी कुछ सेंटेंस जो है वो देख लेते हैं, पहले उर्दू में देख लेते हैं। मैंने खत लिखा, आई आई रॉट अ लेटर, ठीक है। अगर मैं इसको नेगेटिव में बनाऊंगी तो क्या बनाऊंगी, आई डिड नॉट राइट, मेरे पास जो सेकंड फॉर्म थी वो किसमें चेंज होगी, फर्स्ट फॉर्म में, आई डिड नॉट राइट अ लेटर। मैं इसको इंटरोगेटिव में बनाऊंगी तो किससे बनाऊंगी, डिड आई राइट अ लेटर, क्या मैंने खत लिखा। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं, इट्स सो इजी। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, बहुत ही इन डिटेल मैंने समझाया है। अब मैं कुछ सेंटेंस ले रही थी उसको चेंज करने के हवाले से, जैसे फर्स्ट वन मेरे पास है ही टेल्स अ लाई, ठीक है, इसका मैं बनाऊंगी इनडेफिनेट में ही टेल की सेकंड फॉर्म क्या है, टोल्ड, ही टोल्ड अ लाई, ठीक है। इसी तरह सेकंड है शी कुक्स मील, शी कुक्ड, सेकंड फॉर्म क्या है, कुक्ड, शी कुक्ड मील, ठीक है। हमारे पास है आई Eat a fish, ठीक है। तो इसका मैं क्या, किस तरह बनेगा, eat की हमारे पास सेकेंड फॉर्म क्या है, add, I ate a fish, ठीक है। अब है मेरे पास they play football,
नेक्स्ट का क्या बनेगा? दे प्लेड फुटबॉल, ठीक है. वी सिट ऑन द बेंचेस, ठीक है. इसका हम क्या बनाएंगे? वी सिट की सेकंड फॉर्म क्या है? सेट. वी सेट ऑन द बेंचेस. अब है माय एल्डर ब्रदर. माय एल्डर ब्रदर गेट अ न्यू जॉब. तो इसका क्या बनेगा? माय गेट की सेकंड फॉर्म क्या है हमारे पास? माय एल्डर ब्रदर गेट की सेकंड फॉर्म हमारे पास है गॉट. माय एल्डर ब्रदर गॉट अ न्यू जॉब, ठीक है. अब एक हम और कर लेते हैं, बहुत ही आसान है, मुश्किल नहीं है. इसको हम तीनों में बनाएंगे, ठीक है. दे लिव इन दिस टाउन They live in this town. They lived in this town. ठीक है. क्योंकि अगर मैं इसको नेगेटिव में बनाऊंगी तो नेगेटिव में कैसे बनाएंगे? मैंने क्या बताया था नेगेटिव में अगर हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? नेगेटिव में बनाते हुए स्टूडेंट्स दे सेकेंड फॉर्म डिड है तो इसकी जगह सेकेंड फॉर्म लिव्ड है तो इसकी जगह मैं डिड नॉट यूज करूंगी, ठीक है. दे डिड नॉट लिव्ड हमारे पास चेंज हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म में. दे डिड नॉट लिव इन This town. इसी तरह इंट्रोगेटिव बनाते हुए दे लिव्ड इन दिस टाउन. मैं इसको सवालिया जुमले में कैसे कन्वर्ट करूंगी? इंट्रोगेटिव में लिव्ड हमारे पास सेकेंड फॉर्म है तो मैं यहाँ पे डिड लगाऊंगी. डिड फिर मेरे पास आ जाएगा सब्जेक्ट. डिड दे लिव सेकेंड फॉर्म हमारे पास फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगी, ठीक है. इन This town. और लास्ट में हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क. डिड दे लिव इन दिस टाउन. अच्छा, ये जो है हमारा जो मैंने आपको समझाया ये पास इंडेफिनिट था. आई होप कि आपको समझ में आया होगा. और अगर प्रीवियस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम हमारे काफ़ी सारे जो मैंने प्रेजेंट्स के हवाले से स्ट्रक्चर्स करवाए हैं वो आप जाके देखिए. बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान है और आपको एक ही दफ़ा में समझ में आ जाएंगे. प्रैक्टिस वर्क भी है, उसमें प्रैक्टिस सेंटेंस भी है. सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई है. अगर पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ. जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफिज़. अपना बहुत ख्याल रखिए.